नरकटियागंज में दवा दुकानों की जांच करने पहुंची असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की टीम। टीम के पहुंचते ही सभी दवा दुकानों की शटर मिली बंद। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल के पास असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल की टीम जांच करने पहुंची। एक दो दुकानों की जांच करते ही शहर में मचा हड़कंप। सभी दवा दुकानों की शटर बंद कर दुकानदार रहे गायब। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर टीम की अधिकारी सुषमा कुमारी से पूछे जाने पर बताया कि जितने भी दुकानें हैं मैं सब किसी को जांच कर बताने आई हूं कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड पर फ्लैश करें और सही दवा बेचें। इसे पता चल जाएगा कि कौन होलसेल और कौन रिटेलर दुकानदार है और जितनी भी कमियां होगी सबको बताकर दूर करने की कोशिश करूंगी। ये जांच अभियान स्पेशल टीम बनाकर पूरे जिले में बगहा रामनगर नरकटियागंज चनपटिया सब जगह किया जाएगा। जिसकी शुरुआत आज नरकटियागंज से की गई है लेकिन जैसे ही पीछे घूमकर देखी लगभग सभी दुकान बंद मिली और अपनी गाड़ी में बैठकर अन्य जगहों के लिए प्रस्थान कर गई। न्यूज 9 टाइम्स। दवा का दुकान का जांच करने किसका लाइसेंस है, किसका रिन्यूअल है, किसी का रिन्यूअल फेल हो गया है, कैसा दवा अच्छा बिक रहा है, खराब है, बस जांच एक टीम बनी है। अभी सब जगह पूरे बेतिया पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज बगहा सब जगह बस वही शुरुआत की है। मैम ये भी देखने को मिल रहा है कि आपके आने के जैसे आप जहाँ जा रही है तो दुकान तो दवा का दुकान बंद हो जा रहा है, तो फिर क्या बंद हो गया हुआ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दवा का दुकान जैसे है घूमने के लिए बहुत सारे दवा का दुकान है लेकिन बोर्ड जो लिखे हुए हैं थोक और खुदरा बिक्रेता था लेकिन उस पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गवर्नमेंट का उस पर तो नहीं रहता है। सुधार करेंगे लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है। देखिए बंद हो गया। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुषमा कुमार है। किस पद पे है मैम? हम सहायक हाउसिंग इंस्पेक्टर, ये हुआ एडिशनल ड्रग कंट्रोलर।